दूध के साथ भी नहीं लेते बच्चे ड्राई फ्रूट पाउडर, तो आप इस तरह से एक नाना लेके और बीच में ड्राई, ये जी मेरे पुत्र को आप सुखना है, चटनी के साथ खाती है, इतनी हसीन है। और बस अब खाना शाना खाना है। और ये तो ये होता था ना कि ब्लैक सूट होता था तो साथ में सूट एक ना एक लेस ना मैच कर जाती थी। अच्छा बाकी जो कलर थे वो बहुत ज़्यादा डार्क थे और नेक उनकी बनी हुई थी एम्ब्रॉयडरी वाली, तो वो फिर ना अम्मी नहीं पहनती, तो मलिक साहब को ना ये ज़रा सूट पसंद नहीं था आ रहा था। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों के छोटे छोटे से क्लिप मैंने शूट किया वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आज ही मुझे जाना है टेलर के पास अपने कपड़े देने के लिए, और लेसेस वगैरह भी लेने वाली हैं वो लूंगी और टेलर को देने हैं, और उसके बाद अम्मी के कपड़े लेने हैं, और भी छोटे मोटे से काम हैं करने वाले, वो जो जो करूंगी फिर ऐसे करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना। नाश्ता जी सबके लिए बन चुका है और बस देने लगी थी, और बस अब चाय डालनी थी। मैंने कहा चाय डाल के ना मुकद्दस का काम होता है कि सबको साथ साथ में ना नाश्ता देती जाए। अम्मी की और अपनी फीकी निकालूंगी और बाकी मैं चीनी ऐड करके तो सबको डाल दूंगी। हम ना इधर प्रैक्टिस कर रही है एप्पल बनाना मैंगो। एक चीज़ मुझे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि आप ही आप आमना के और मुकद्दस के बालों पे क्या लगाती हैं, इनके इतने ज़्यादा हेल्दी हेयर हैं, लॉन्ग हैं, हमारे साथ भी शेयर करें। अच्छा जी इनको लगाने के साथ साथ इनको खिलाती क्या हूँ वो भी आज आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। इशा ऑर्गेनिक का ही अनियन एंड आमला हेयर ऑयल ले लेना है और इसके साथ बालों का अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। इसको आपने बालों पर अप्लाई करना है, बालों की जड़ों से लेकर बालों के सिरों तक आपने अच्छी तरह से लगा के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद इशा ऑर्गेनिक का ही कोकोनट एंड आलमंड शैम्पू लेके उससे बालों वॉश कर लेना है। नाश्ते में बच्चों को एग लाजमी दिया करें, एक फ्राई एग दे दें चाहे तो आप बॉयल एग दे दें, ठीक है, एग लाजमी देना है। दिन में 1 से 2 एग लाजमी दिया करें, साथ में ड्राई फ्रूट दिया करें। ड्राई फ्रूट आपने बच्चों की डाइट में लाजमी ऐड करना है। अगर ड्राई फ्रूट बच्चे नहीं खाते तो इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना के दे दें। मेरे तो घर में हर वक्त ये जो है ना ड्राई फ्रूट पाउडर बना हुआ होता है। अगर दूध के साथ भी नहीं लेते बच्चे ड्राई फ्रूट पाउडर तो आप इस तरह से एक नाना लेके और बीच में ड्राई फ्रूट डाल के तो आप दूध डाल के तो शेक बना के दे दें, चाहे तो एप्पल का शेक बना के दे दें, लेकिन आपने ड्राई फ्रूट पाउडर उनकी डाइट में लाजमी शामिल करना है, ठीक है। मैं और मुकद्दस जो हैं हम तो पानी के साथ ये शेक बना के पीते हैं, और कुछ इस तरह का ये शेक तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और हेल्दी होता है। बच्चों की आई साइड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हाइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और साथ ही में बच्चों की बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा इसके साथ बच्चों की हाइट भी इंक्रीज़ होती है और बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं और शाइनी होते हैं। ये जी इब्राहिम को पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आके ना स्मेल ले रहा है कि भाई मामा पकौड़े बनाने लगे, ये इसके काम देख रहे हैं। मैंने अभी सिर्फ मसाले डाले हैं और वो भाग के आया देखने के लिए। माँ सिक्के ना मेरे पुत्र को पसंद है इसलिए मैं बनाती हूँ, सारे कहते हैं इतनी कुड़ी क्यों बनाती हैं आप। अच्छा जी अभी मैं पकौड़े बनाने लगी थी क्योंकि आज हमने बनाई थी पालक और चिकन और आलू, ठीक है, माशाल्लाह सब ने बड़े शौक से खाई, और अभी जो है सालन कम है तो मैंने कहा चले साथ में ना पकौड़े बना लेते हैं क्योंकि आजकल सबको बहुत पसंद आ रहे हैं रोटी के साथ पकौड़े ना, और इब्राहिम वैसे खाता है। अच्छा पालक जो थी वो सारी उसमें हमने डाल दी, पालक पकौड़ों के लिए बची नहीं। इसमें आलू प्याज और सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्च मैं नहीं डालती इब्राहिम की वजह से कि उसको मिर्चें ज़्यादा लगती हैं, ठीक है, और बस प्याज हैं, धनिया सब्ज़ डाला है और बैंगन डाला है एक बीच में ना, और साथ में आलू छोटे छोटे बारीक बारीक काट करके तो इस तरह हमने डाल लिए हैं। इसमें मसाले आप अपनी मर्जी के जितने मैं तो सालन में जितने मसाले डलते हैं ना वो सारे मसाले इसके अंदर डालती हूँ क्योंकि सारे मसाले अच्छे होते हैं, और साबुत धनिया साथ में डाल दिया। अच्छा कुछ लोग तो अनारदाना भी डालते हैं, मैं अनारदाना नहीं डालती, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ना दांतों में फंसता है और इसको कुछ दाढ़ी भूख लगी हुई है। तो चलें अब ना इसके अंदर जी हमने ये जो आम हम ये जो गंदम का आटा होता है ना ये आपने जितनी ये एक हाथ में आ जाती है ना इतनी वेजिटेबल के लिए ना एक ये आपने बीच में लाजमी डालनी होती है, ठीक है। इसके साथ जो है ना बड़े क्रिस्पी और खड़े खड़े से ऐसे पकौड़े बनते हैं, ठीक है, और साथ में बेसन डालेंगे तो पानी बस आप डाल के ना, तो अब इसको जी मैंने मिक्स कर लेना। छोटी सी टिप थी मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जी मेरे पुत्र को आप सुखना है, चटनी के साथ खाती है, इतनी हसीन है। और बस अब खाना शाना खाना है और उसके बाद फिर मैंने जाना है बाय। ये क्या पकोड़ा खा रहा है मुकद्दस? मुकद्दस की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है, गला इसका खराब है शदीद।
काम देख मसाले वाली चीजें ना दिया करो इससे ना आनी अच्छा है कोड़ा। ये जी पालक वाला सालन मैंने भी अपने लिए थोड़ा सा रखा है और साथ में पकौड़े हैं। बस हमें भी खाना खा रही हैं। मलिक साहब अभी नहीं आए, आएंगे तो खाना खाएंगे। नन्नो बस जी मलिक साहब भी फिर आए हैं, उन्होंने भी पकौड़े वगैरह खाए हैं, चाय वगैरह पी है और फिर हम आ गए थे रहमान प्लाजा। यहीं से हमने लेसेस भी लेनी होती हैं और यहीं पे टेलर है, उसी को कपड़े देने होते हैं। आज ही जो हुआ है कि यहाँ से मुझे कोई भी लेस मेरे सूट के साथ मैच नहीं की, अच्छा दोनों सूट के साथ मैच नहीं की। आगे तो ये होता था ना कि ब्लैक सूट होता था तो साथ में सूट एक ना एक लेस ना मैच कर जाती थी, ना दुपट्टे की मैच की है, फिर ले के लेस और डाई होने के लिए दे दी थी। और उसके बाद जी हम आ गए थे खाड़ी पे। अच्छा खाड़ी पे अम्मी के कपड़े लेने थे और अम्मी क्योंकि कह रही थी कि मैंने बिल्कुल प्लेन सादे में लेने हैं, एम्ब्रॉयडरी वाला सूट नहीं लेना। एक मुझे ये पसंद आया और एक जो पीछे मैंने आपको दिखाया वो मुझे पसंद आया। मलिक साहब को ये नहीं था पसंद आ रहा और कहते हैं कि भाई नहीं अच्छा, बाकी जो कलर थे वो बहुत ज़्यादा डार्क थे और नेक उनकी बनी हुई थी एम्ब्रॉयडरी वाली तो वो फिर ना अम्मी नहीं पहनती। तो मलिक साहब को ना ये ज़रा सूट पसंद नहीं था आ रहा, तो मैं उनको कह रही थी कि ये ओपन करके आप देखेंगे तो पसंद आएगा। तो भाई फिर ये भाई जो हैं ये ओपन करके दिखा देते हैं, इनको पता होता है कि भाई अम्मी ना देख के लेती हैं सूट, तो वो फिर उन्होंने हमें दिखा दिया था और फिर हमने बस ये सूट लिया और उसके बाद जी हम घर वापस आ गए थे। अभी कपड़े वगैरह लेकर आई थी और घर में आके चेक कर रही थी, दोनों के कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। ये अपनी जगह पे बहुत ज्यादा प्यारा है और इसका थोड़ा सा लाइट में दुपट्टा आ जाता है और इस तरह की शर्ट बिल्कुल छोटी सी बूटी बनी हुई है, बड़ा प्यारा सा कलर है। अच्छा बिल्कुल लाइट कपड़े अम्मी नहीं पहनती और अम्मी ने कहा था कि एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं लेकर आने के, एम्ब्रॉयडरी वाले जो है ना वो मुझे चुभते हैं तो प्लेन में लेके आने हैं, इसलिए मैं प्रिंटेड लेकर आई हूँ। मैंने कहा फिर अल्लाह खैर करे फिर जब जाऊँगी ना तो इंशाल्लाह फिर ना थोड़ी एम्ब्रॉयडरी में ले आऊँगी, इतनी देर में और वैरायटी भी आ जाएगी। अच्छा इनका जो स्टफ़ है ना ये इतना कोई सॉफ्ट और नरम है, प्यारा सा ना इसके ऊपर इस तरह से प्रिंट बना हुआ है और ये इसकी शॉल है, शॉल का सारा बॉर्डर बना हुआ है। हमारा जी चौकीदार भी आ गया है। बस दो ही सूट लिए थे और क्योंकि बाकी सारे जो कलर थे ना वो बहुत ज़्यादा डार्क थे, कोई बहुत ही ज़्यादा लाइट थे, क्योंकि लाइट अम्मी बिल्कुल बिना वाइट और इस तरह के ऑफ वाइट और इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, तो बस यही लिए थे। तो फिर वापस आ गए और बस छोटे मोटे जो क्लिप शूट किए थे वो सारे आपके साथ शेयर किए हैं। आपके साथ साथ में चीज़ों अच्छा डिटेल में रेसिपीज वगैरह तो काफ़ी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन फिर भी कोई छोटी मोटी जैसे टिप होती है वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।